आप लोगों का फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है द इनविजिबल बॉय। मूवी आई थी 2014 में और इसको IMDb पर रेटिंग मिली है 6.2 की। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें ये लड़का दिखाया जाता है और इस लड़के का नाम होता है माइकल। माइकल के स्कूल में पार्टी है और वो उस पार्टी में स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पहन के जाना चाहता है और दुकानदार को पैसे दिखाता है, पर वो उसे खरीद नहीं पाता क्योंकि दुकानदार उससे कहता है कि बेटा बाद में आना, अभी लंच चल रहा। जिसके बाद वो अपना दो पहिया वाहन लेकर वहां से स्कूल चला जाता है और अपने पैसे को जूतों में छुपा लेता है और क्लास में जाकर एक लड़की की वीडियो बनाता है क्योंकि वो उसको पसंद करता है और रात में यही वीडियो देखकर सो जाता है। गलत मत समझना। और तभी उसकी मैम आकर उसका फोन छिना लेती है और कहती है आज भी पेपर खाली। और यहाँ पर हमको मालूम चलता है कि माइकल पढ़ाई में लुल्ल होता है। और तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आती है और बच्चों से पूछती है कि तुम्हारी क्लास का एक लड़का जिसका नाम है मार्टिनो, वो कुछ दिनों से गायब है, क्या तुम लोगों में से किसी ने उसको देखा? तभी ये सभी बच्चे उनको मना कर देते हैं और ये पुलिस ऑफिसर कहती है कि अगर किसी को भी मार्टिनो दिखता है तो वो उसको उसके घर भेज दे। और जाते जाते वो पुलिस ऑफिसर माइकल को टिफिन देकर जाती है और कहती है कि तुम ये घर पे भूल गए थे। और यहाँ पर हम लोगों को मालूम चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर माइकल की मम्मी है और सभी बच्चे इस बात का मजाक उड़ाते हैं। और थोड़ी देर बाद माइकल की नाक से खून बहने लगता है और वो टॉयलेट में जाकर उसको साफ करने लगता है। और तभी क्लास की बेल बजती है जिसके बाद माइकल डर जाता है। दरअसल ये दो लड़के जो उसको छुट्टी के बाद परेशान करते हैं और इन्हीं के डर से वो अपने आप को बंद कर लेता है, पर ये लोग उसको ढूंढ लेते हैं और उसके पैसे छिना लेते हैं। छोटे वाले का नाम होता है चुन्नू और बड़े वाले का नाम होता है मुन्ना। मुन्ना माइकल के पापा का मजाक उड़ाता है क्योंकि उसने उसके पापा को कभी नहीं देखा था। और बदले में माइकल उसके पापा का मजाक उड़ाता है कि तेरे पापा तो जेल में बंद हैं। जिसके बाद मुन्ना माइकल को वहीं लपेट देता है। अब माइकल मुंह लटका के अपना दो पहिया वाहन लेकर घर आता है और घर आकर उसी लड़की की फेसबुक आईडी देखता है जिसकी वो वीडियो बना रहा था। और इस लड़की का नाम होता है मार्टिना। और तभी माइकल की छोटी बहन आ जाती है, पर माइकल का ध्यान मार्टिना पर होता है और वो उसको रिक्वेस्ट भेज देता है। अब माइकल स्कूल की पार्टी में पहनने के लिए कॉस्ट्यूम लेने जाता है पर उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते और वो दुकानदार से कहता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इसमें कोई बढ़िया सी कॉस्ट्यूम दिखाओ। तब दुकानदार उसको एक कॉस्ट्यूम देता है और कहता है कि ये चाइना के बहुत बड़े सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम है। तब माइकल उस दुकान वाले से पूछता है कि उस सुपर हीरो की पावर क्या थी। तब दुकानदार उससे कहता है कि तुम इसको पहनोगे तुम्हें पता लग जाएगा। अब माइकल पार्टी में जाता है, तभी बंटी माइकल से आकर पूछता है कि तुम क्या बने हो, कहीं टट्टी तो नहीं बने? पर माइकल मोंटी की बात को इग्नोर करता है क्योंकि माइकल का ध्यान उसके सपनों की रानी मार्टिना पर होता है। और तभी वहाँ पर मुन्ना आता है और टीवी ऑन करता है जहाँ पर मार्टिना की वीडियो चल रही होती है जो माइकल बनाता था, और माइकल वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन माइकल सोकर उठता है और तभी हम लोगों को मालूम चलता है कि माइकल गायब हो चुका है, पर माइकल को ये नहीं पता होता है। माइकल रोज की तरह हगता है, मूंदता है, नहाता है, धोता है, पर जब ब्रश करता है तब वो आईने में देखता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। और तभी उसकी माँ कमरे में आ जाती है और माइकल पूरे कपड़े उतार देता है, पर उसकी मम्मी उसको नहीं देख पाती क्योंकि अब माइकल हमारा गायब हो सकता है। अब माइकल अपने पूरे शरीर को कपड़ों से ढककर स्कूल जाता है और बाहर अपने पूरे कपड़े उतार कर अपने स्कूल में नंगा घूमने लगता है। और तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि MBA बंटाई की तरह लगता है। अब माइकल हमारा गायब हो चुका है तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तो करेगा ही, और सबसे पहले वो मुन्ना को बिदवाता है, इसलिए वो मुन्ना की गन छिनाकर टीचर पर फायर कर देता है और उसके बाद टेस्ट में अपने नंबर बढ़ा लेता है और मोंटी की उसके पापा के सामने बेइज्जती करवा देता है। फिर उसके बाद माइकल के अंदर का थर्की बच्चा जागे आता है और फिर उसके बाद माइकल लड़कियों के चेंजिंग रूम में घुस जाता है और अपनी आंखें सेक रहा होता है। और तभी एक लड़की तौलिया फेंकती है और वो तौलिया माइकल के ऊपर आ जाती है और सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। अब माइकल को ये लगता है कि ये लोग अगर तौलिया हटा भी लेंगे तो कौन सा मुझे देख पाएंगे। पर जब वो लोग तौलिया हटाते हैं तब उनको माइकल भी दिख जाता है और माइकल का माइक भी दिख जाता है। दरअसल होता ये है कि माइकल इनविजिबल से फिर से विजिबल हो जाता है, पर इस कांड के लिए माइकल की माँ उसको ज्यादा नहीं डांटती, और अगर ऐसा इंडिया में हुआ होता तो घर वाले बेल करा रहे होते। अब अगले दिन माइकल के स्कूल में एक मनोचिकित्सक आता है जो इन लोगों को फ्री का ज्ञान देता है, और तभी माइकल फिर से गायब होने लगता है और उसका राज ना खुले इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और अपने घर आ जाता है। अब घर में माइकल की बहन को उसकी पावर के बारे में मालूम चल जाता है और वो अपनी बहन को पूरी कहानी समझाता है। अब अगले सीन में माइकल की मम्मी और वो मनोचिकित्सक बच्चों के लापता होने पर डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि अब एक और बच्चा स्कूल से गायब हो जाता है और गायब हुआ दूसरा बच्चा बंटी होता है। और ये गायब हुए बच्चे वीडियो बनाकर भेजते हैं कि हम अपनी मर्जी से भागे हैं और इसलिए ये फ्री के ज्ञान देने वाले को बुलाया गया है ताकि और बच्चे ऐसी हरकतें ना करें। पर माइकल की मम्मी को मामला कुछ और लगता है
अब माइकल की मम्मी घर आती है, जहाँ पर उनको माइकल नहीं दिखता क्योंकि वो फिर से गायब हो चुका था। और तभी माइकल की मम्मी को उनकी मम्मी का फोन आता है और माइकल की माँ अपनी माँ से कहती है कि माइकल अब घर में ज्यादा नहीं दिखता और ज्यादा बात भी नहीं करता, कहीं उसको मालूम तो नहीं चल गया कि वो अडॉप्टेड है। और माइकल वहीं पर बैठा होता है और वो ये सारी बात सुन लेता है और गुस्से में बाहर चला जाता है और झूला झूलने लगता है। तभी वहाँ पर मार्टिना आ जाती है और वो हिलते हुए झूले को देखकर पहले तो थोड़ा घबरा जाती है पर बाद में वहीं पर चली जाती है। अब ऐसे में इंसान भागता है पर ये लड़की अलग ही है और माइकल से पता है क्या पूछती है, कौन हो तुम? और खुद ही इस बात का जवाब देती है कि तुम भूत हो क्या। तब माइकल उससे कहता है मैं एक फरिश्ता हूँ, पर मार्टिना को यकीन नहीं होता। तब माइकल उसे सबूत दिखाता है। अब मार्टिना और माइकल की दोस्ती हो जाती है और वो माइकल से कहती है कि कल भी तुम मुझसे मिलना, पर माइकल हमारा बहुत तेज होता है। वो उसी रात में मार्टिना के घर पहुंच जाता है और मार्टिना के अंदर का जानवर भी जग जाता है और वो उसको किस कर देती है। और तभी माइकल को एहसास होता है कि वो फिर से विजिबल हो रहा है और वो वहां से भाग जाता है। अब अगले सीन में मार्टिना डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी कोई आदमी पीछे से उसको डॉट मारता है और वो बेहोश हो जाती है और वो आदमी मार्टिना को उठा के ले जाने लगता है। और तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है पर वो मार्टिना को नहीं बचा पाता, पर माइकल का कुत्ता उस किडनैपर के हाथ में काट लेता है। अब हम लोगों को दिखाया जाता है कि मार्टिना के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि इसमें कोई सुपर पावर है कि नहीं, पर मार्टिना में कोई भी सुपर पावर नहीं रहती। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ये सभी लोग माइकल की तलाश में हैं। तभी माइकल की बहन उससे कहती है कि तुम्हें स्टेला को बचाना होगा, पर माइकल जब वो ड्रेस पहनने जाता है तब वो देखता है वो ड्रेस छोटी हो गई क्योंकि उसकी माँ ने उस ड्रेस को बहुत बुरी तरीके से धो दिया। अब छोटी होने की वजह से वो अपनी बहन को वो कॉस्ट्यूम पहनाता है पर उसकी बहन गायब नहीं होती और वो अपनी मम्मी पे गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। अब मार्टिना को एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर उसको दो लड़के और मिलते हैं जो स्कूल से गायब हुए थे। अब माइकल के पास एनीवे आता है और वो उससे कहता है कि वो कॉस्ट्यूम कोई काम का नहीं था। तब माइकल उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तब एमीवे कहता है कि मेरा असली नाम आंद्रे है और मैं तुम्हारा पिता हूँ। तब माइकल एमीवे से कहता है कि मेरे पिता तो मर चुके हैं। तब एमीवे उससे कहता है कि वो रशिया में एक आम इंसान की तरह रहता था और तभी परमाणु हमले के बाद कई लोग काफी बीमार हो गए और कई लोग के डीएनए में चेंज आ गया और उस चेंज की वजह से कुछ लोग स्पेशल हो गए यानी कि उनमें सुपर पावर आ गई, जिसके बाद वहाँ की आर्मी ने जितने भी सुपर पावर वाले लोग थे उनको बंदी बना लिया और हम पर एक्सपेरिमेंट किया। और मैं सबका फेवरेट था क्योंकि मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकता हूँ, पर मैं जैसे जैसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करता मैं और बीमार होता जाता और इसकी वजह से मेरी आंखों में लकवा मार गया। और तभी वहाँ पर एक लड़की आई जिससे मुझे प्यार हो गया और उसको भी मुझसे प्यार हो गया और दोनों में टकरार हो गया और फिर उसके बाद तुम पैदा हुए, पर वो आर्मी वाले तुम्हारे ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करते इसलिए हम दोनों वहाँ से भाग गए, पर तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी माँ ने अपनी कुर्बानी दे दी। तुम्हारी माँ में गायब होने की ताकत थी और तुम्हें तुम्हारी पावर तुम्हारी माँ से मिली है और मुझे मालूम था कि वो आर्मी वाले मुझे कभी ना कभी ढूंढ लेंगे, इसलिए मैंने एक घर के बाहर तुमको रख दिया। और उस घर में रहने वाली औरत का माइंड मैंने पढ़ लिया था, वो एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहती थी और अब तक तुम उसी औरत के साथ रहते हो। एमी भी माइकल को बताता है कि मेरे पास एक और ताकत है, वो है लोगों की याददाश्त भुलाना। वो माइकल से कहता है कि तुम नंगे घूमोगे तो तुम बीमार हो जाओगे और फिर वो उसको एक असली कॉस्ट्यूम देता है जो उसके साथ गायब हो सकती है। अब वो फ्री का ज्ञान देने वाला इंसान माइकल की मम्मी के साथ इन्वेस्टिगेशन करता है और एक दिन माइकल की माँ कहीं बाहर चली जाती है और वो माइकल के पास जाता है और वो फिर से माइकल को फ्री का ज्ञान देने लगता है। और तभी माइकल की नज़र उसके हाथ में पड़ती है जिसमें चोट लगी होती है और वो समझ जाता है कि यही है वो किडनैपर जिसने मार्टिना को किडनैप किया। और ये ज्ञान देने वाला भी समझ जाता है कि इसने मुझे पहचान लिया और ये ज्ञान देने वाला उन्हीं में से होता है जो सुपर पावर वाले माइकल को पकड़ना चाहते हैं। और माइकल वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते मुन्ना के पास पहुँच जाता है और उसको अपनी सुपर पावर के बारे में बताता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए मार्टिना को छुड़ाने में। और ये लोग मार्टिना को ढूंढने लग जाते हैं और वहाँ पर मार्टिना धीरे से निकल कर आसमान में लाइट से सिग्नल देती है और उस सिग्नल में वही सड़ी सी ड्रॉइंग होती है और उसी टाइम पर माइकल उस सिग्नल को देख लेता है और इसलिए माइकल उसको पहचान जाता है और माइकल उसको बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। पर मार्टिना माइकल से कहती है कि एक जगह पर और भी बच्चे हैं, पर माइकल जैसे ही मार्टिना के पीछे जाता है वो इन्हीं एक्सपेरिमेंट करने वालों के साथ मिली होती है। दरअसल होता ही है कि ये जो बुड्ढा है इसके पास ताकत रहती है कि ये किसी भी आदमी को कंट्रोल कर सकता है और ये मार्टिना को भी कंट्रोल करता है। ये बूढ़ा आदमी माइकल से कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाएंगे। तब माइकल उससे कहता है कि मुझे पप्पू मत बनाओ, मेरी मम्मी को तुम लोगों ने मार दिया है।
पर ये बुड्ढा मार्टिना के जरिए माइकल को बंदी बना लेता है और इस पूरी जगह पर बम फिट करके पनडुब्बी से माइकल को रशिया ले जाने लगता है। अब ये बुड्ढा उससे कहता है कि हम मार्टिना को पनडुब्बी की कैप्सूल में बैठाकर ऊपर छोड़ देंगे। और तभी उस एरिया में एमी वे और माइकल की माँ पहुँच जाती है। अब माइकल की मम्मी ये दोनों बच्चों को निकाल लेती है और जब वो अंदर जाती है तब उसे वही फ्री का ज्ञान देने वाला प्रोफेसर मिलता है। और यहाँ पर हमको मालूम चलता है कि उस बुड्ढे आदमी ने प्रोफेसर को भी कंट्रोल में किया था। और जब ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तब ये पूरी जगह बम से उड़ जाती है। और यहाँ पर माइकल की एक और ताकत दिखती है कि जब भी माइकल को गुस्सा आता है तब आसपास की चीजें टूटने लगती हैं और इसी ताकत की वजह से पूरी पनडुब्बी में पटाखे बोलने लगते हैं। और माइकल मौका पाते ही उसी कैप्सूल में बैठकर ऊपर आ जाता है और ये लोग बच जाते हैं। अब सब लोग ये कहते हैं कि हमें एक सुपर हीरो मिल गया और माइकल काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब अपना इस शहर में पहुंचा होगा। तब एमी वे उससे कहता है कि तुम अपनी सुपर पावर की वजह से मुसीबत में पड़ सकते हो और इसलिए एमी वे अपनी शक्ति से सबकी याददाश्त मिटा देता है। अब सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं और सबको यही लगता है कि माइकल की मम्मी ने सबको बचाया और उनको प्रमोशन मिल जाता है। अब माइकल की सुपर पावर सब लोग भूल चुके हैं पर माइकल के अंदर अब कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम सबको यहाँ पर लगता है कि मूवी दी एंड हो गई, पर ऐसा नहीं होता। अब हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बता रहा होता है कि हमारा मिशन फेल हो गया और वो जिसको बता रहा होता है वो होती है माइकल की माँ, यानी कि वो बुड्ढा सही कह रहा था। माइकल की माँ काफी गुस्सा होती है कि ये लोग माइकल को यहाँ पर नहीं ला पाए और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसी अद्भुत और संस्कारी मूवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप चाहो तो अपने समय का बहुमूल्य ऐसा निकाल कर ये साइड वाली वीडियो को भी देख सकते हो। और एक वार्निंग है कि इन दोनों वीडियो को बच्चे ना देखें।